अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज थी उनका पोर्शन कंप्लीट किया था पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। इस लेक्चर में इंशाल्लाह रैशनल इनइक्वालिटीज जो है उसको हमने सॉल्व करना है और इंशाल्लाह टाइम हुआ तो हम एब्सोल्यूट को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि रैशनल होता क्या है। सबसे पहले रैशनल फंक्शन क्या होता है, आपके पास एक फ्रैक्शन होती है, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इस पूरी फ्रैक्शन को आप रैशनल कह रहे होते हो। अब इसके साथ आपको इनइक्वालिटीज दी होंगी, आपने उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले प्रोसेस तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं और रैशनल फंक्शन होते क्या है, किस टाइप का सीन है। देखो, कुछ फंक्शन बहुत शरीफ फंक्शन होते हैं, शरीफ इन द सेंस के उनको ड्रॉ करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैराबोला देखा होगा, क्वाड्रेटिक को जब आप ड्रॉ करते हो तो बहुत एक शरीफ किस्म का पैराबोला आता है, या उसकी शेप ऊपर होगी या उसकी नीचे होगी, या कभी साइड पे भी हो सकती है अगर वो उसमें एक्स स्क्वायर की अगर टर्म है, वाई स्क्वायर की अगर उसकी टर्म है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है फॉर एग्जाम्पल पैराबोला की, तो उसमें फिर वो राइट या लेफ्ट की तरह बन रहा होगा, और जो आप लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन देखते हुए आ रहे हो उसमें ऊपर या नीचे बन रहा होता है। वो कहने का मतलब एक डेफिनेट पैराबोला की शेप है, इतना इशू नहीं हो रहा था, स्ट्रेट लाइन की शेप इजी होती है, इसी तरह काफी शरीफ फंक्शन भी होते हैं। लेकिन जो रैशनल है ना, वो इतना शरीफ नहीं है। क्यों शरीफ नहीं है? वो आपको काफी मसले क्रिएट करेगा आपके लिए, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ज्यादातर रैशनल फंक्शन आप देखते हो कि उसमें पीसीज में होता है, वो एक वन पीस में नहीं होता। ज्यादातर रैशनल फंक्शन आप देखोगे कि उसमें एक दो पीस तो मिनिमम होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरीके से रैशनल फंक्शन बना हुआ है वो। तो पहली बात, ये पीसेस के अंदर मौजूद होता है। दूसरी बात, अगर सिंगल भी मौजूद है तो उसकी शेप अजीब सी है, मैं आपको फिक्स नहीं बना सकता कि रैशनल फंक्शन इस टाइप का होता है, कोई शेप नहीं है उसकी। तो इसको ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन जो इजी होते हैं उनको आप आसानी से ड्रॉ कर लेते हो, और जो मुश्किल हल्के फुल्के हैं उसको भी अगर आप थोड़ा ग्राफिंग करना आपको आता हो, कुछ पॉइंट्स पुट करो, कुछ एक दो चीजें फाइंड करो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है। लेकिन स्टिल एक हेक्टिक काम होता है, आपको नहीं पता है कितने पीसेज में डिवाइड हुआ भाई, तो काफी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एटलीस्ट ईजी जो रैशनल फंक्शन है उनको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, वो मैं बेसिक सी बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैशनल फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक इजी लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2 अपॉन एक्स माइनस 1, या सबसे बेसिक जो रैशनल फंक्शन उससे स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा होता है इसमें, 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ है। पर इसको ड्रॉ आपने किस तरीके से करना होगा, सबसे पहले रैशनल फंक्शन के बारे में दो तीन बातें आप सीख लो कि जब भी आपने रैशनल या किसी भी फंक्शन को ड्रॉ करना होता है, चाहे वो पैराबोला हो, कुछ भी हो, इवन स्ट्रेट लाइन भी हो, आप इंटरसेप्ट निकालते हो सबसे पहले कि यार, ये मैं ग्राफिंग की टेक्निक आपको बता रहा हूं कि आप इंटरसेप्ट निकालोगे, आप एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे ग्राफ एक्स को कब क्रॉस कर रहा है, आप वाई इंटरसेप्ट निकालोगे वाई को कब क्रॉस कर रहा है ग्राफ, एक तो आपके पास ये हल होता है, तो आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालोगे, लेकिन इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं, और इसका वाई इंटरसेप्ट तो आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट इसका भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अगेन, अब हर रैशनल फंक्शन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं आएगा, तो जिसका है आप सबसे पहले वो निकालोगे। दूसरा काम क्या है कि आप यहां पे एसिम्प्टोट्स निकालोगे। ये एसिम्प्टोट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एसिम्प्टोट्स बेसिकली स्ट्रेट लाइंस होती हैं, लेकिन ये कोई रैंडम स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिन पे आपका कोई भी कर्व जो है वो इनके पास जा रहा होगा, इनके पास अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इनके पास अप्रोच कर रहा होगा वो, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, मैं बना भी दूंगा। तो दो किस्म के एसिम्प्टोट्स आपको मिलते हैं, एक तो रैशनल फंक्शन में होगा वर्टिकल एसिम्प्टोट, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इनको मालूम कैसे करोगे? वर्टिकल को मालूम करना बड़ा इजी तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो के बराबर रखो और देखो किस एक्स वैल्यू पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। जैसे यहां पे डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 पुट करूंगा एक्स की जगह पे, तो डिनोमिनेटर जीरो, तो आपको एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा होगा, क्योंकि आंसर जो है वो आपका अनडिफाइन हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका क्या होता है, उसके तीन पॉइंट है अगर आपको शौक हो सीखने का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का, कि डिफरेंट केसेस बन सकते हैं कि न्यूमरेटर में अगर जो पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो जो आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलेगा वो इस पे मिलेगा, y इज इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस पे मिल रहा होगा आपको, हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप का एसिम्प्टोट होगा, वर्टिकल मतलब इस टाइप का होगा। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की ज्यादा है तो आपको एसिम्प्टोट इसमें मिल रहा होगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो एसिम्प्टोट मिलेगा जो लीडिंग कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में है और जो लीडिंग कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो यहां पे आपको जो एसिम्प्टोट है वो यहां पे मिलेगा। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, इस तरह कर लेते हैं, करना क्या है आप देखो, न्यूमरेटर में जो डिग्री है और डिनोमिनेटर में डिग्री है बराबर है दोनों की, तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो मैक्सिमम वेरिएबल वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट,
तो ऊपर x का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो एसिम्प्टोट क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो जब डिग्रीज बराबर है तो जो न्यूमरेटर में लीडिंग कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में लीडिंग कोएफिशिएंट है इक्वल टू y के बराबर रखना, तो y इज इक्वल टू 2, अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल रही होगी। और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम है न्यूमरेटर की ज्यादा है तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं मिलता। तो तीन केसेस होते हैं, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलेगा y इक्वल टू 0 पे, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो फिर एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो एसिम्प्टोट कहां पे मिलेगा, y इज इक्वल टू लीडिंग कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर। ये आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल लेते हो। जब आपके पास डेटा आ जाता है ना तो आप काइंड ऑफ ग्राफ बनाने के काबिल हो जाते हो, फिर आप कोई पॉइंट्स पिक करके भी ग्राफ बना सकते हो आसानी से। ठीक है, यहां तक मेरा काम था पुश करना आप लोगों को। अब मजीद अगर आप लोगों ने रिसर्च करनी है तो आप लोग गूगल पर जाके देखो कि मजीद किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से पॉइंट कौन कौन सी जगह पे हमने पॉइंट पिक करने हैं, जो इंटरवल बन रहे होंगे किसी भी इंटरवल में 3-4 पॉइंट पिक करके आप बना सकते हो, बाकी आप लोगों का भी काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको ड्रॉ करना है, अगर आप ये टेक्निक लगाओगे तो इसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट आपको कहां मिलेगा, जीरो के ऊपर, क्योंकि जब आप एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो अनडिफाइन हो रहा होगा। इसका मतलब इसका जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो कहां पे है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस बेसिकली यहां पे क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहां है, तो मैंने बताया न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की ज्यादा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल आपको मिल रहा है y इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो दो एसिम्प्टोट आपने निकाल लिए, x और y सब इसके आ ही नहीं सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते आप यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना वो देखो कितने, वर्टिकल a की एसिम्प्टोट है, इसका मतलब आपका ग्राफ दो हिस्सों में तकसीम हुआ होगा। ये जो बेसिकली वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना ग्राफ को तकसीम कर रहा होता है, वर्टिकल लाइन होती है ना, तो अगर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा होगा वो। ठीक है, तो आपने बनाया ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब y एक्सिस, ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो अब आपने क्या करना है, आपका एक पीस इस तरफ बनेगा, एक पीस इस तरफ बन रहा होगा। अब डिपेंड करता है जो इधर पीस बन रहा है वो ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, तो आप पॉइंट पिक करते हो। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू -2 आप यहां पे पुट करो तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नीचे बन रहा होगा। और यहां पे फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 पुट करना आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा, इसका मतलब इधर बन रहा होगा ये। तो इस तरीके से फिर आप सॉल्व कर रहे होते हो। तो हमें पता है यहां पे इधर बनेगा और इस क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब इस वर्टिकल एसिम्प्टोट में लेफ्ट पे इस क्वाड्रेंट में आप बनाओगे, राइट पे आप इस क्वाड्रेंट पे बनाओगे, वही पॉइंट्स पे करके आप देख लेना। उसके बाद ड्रॉ कैसे करोगे, ड्रॉ करने का तरीका ये है कि पहली बात ये एसिम्प्टोट है, तो एसिम्प्टोट क्या होता है, जिसपे कर्व अप्रोच कर रहा होता है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो कर्व अप्रोच कर रहा है मतलब इसके पास जा रहा है लेकिन ऑब्वियसली इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये एसिम्प्टोट्स का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। और जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो कहां पे, y इक्वल टू 0 पे, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो आपका ग्राफ इस पे भी आएगा लेकिन कभी क्रॉस नहीं करेगा इस तरीके से, तो आपका राइट वाला पीस इस तरीके से बन जाएगा कि वर्टिकल उसका y एक्सिस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल उसका x एक्सिस हो जाएगा। और अगर आप इधर बात करो तो इधर भी सेम वही कॉन्सेप्ट कि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगा और y एक्सिस उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो ये रैशनल फंक्शन का ग्राफ आ गया, इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे होते हो। इसका भी हल्का सा बताया तो फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करो तो देखो ये तो एक्स और वाई एक्सिस किसी को क्रॉस नहीं कर रहा, आप देख सकते हो इंटरसेप्ट इसके कुछ नहीं आए थे। लेकिन अगर आप इसको सोचो, इसके अगर आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालो, एक्स इंटरसेप्ट आप कैसे निकालते हो, वाई को जीरो पुट करके, तो वाई को आप जीरो पुट करो, सॉल्व करना इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी, टू इज इक्वल टू जीरो सेंस नहीं बना रही उस बात को, उसको हटा दो यहां पे आप, तो इसका मतलब x इंटरसेप्ट कोई भी नहीं है। y इंटरसेप्ट निकाल के देखो, y इंटरसेप्ट में आप क्या करते हो, x की जगह जीरो पुट करते हो, तो सॉल्व करो y इंटरसेप्ट -2 आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो 0, -2 पे क्रॉस कर रहा है, तो हम इस पे क्रॉस करवा देंगे इसको बराबर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, अगेन न्यूमरेटर छोटा है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तो वही x एक्सिस ही होगा, और वर्टिकल एसिम्प्टोट कहां होगा, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर होगा, क्योंकि 1 जब मैं पुट कर रहा हूं तब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट बनाओ, क्योंकि जितने वर्टिकल एसिम्प्टोट होते हैं उतने हिस्से बन रहे होते हैं, मतलब उससे एक ज्यादा ऑब्वियसली, अगर दो वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं तो तीन हिस्सों में तकसीम हो रहा होता है आपका ग्राफ बराबर। तो x इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लो, ये वैल्यू 1 है, तो ये आपका, ये तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा है, आपका ग्राफ जो है वो इसके पास अप्रोच कर रहा होगा, जरा देखते किस तरह अप्रोच करेगा एक। अच्छा, तो एक हिस्सा आपका यहां पे होगा, एक हिस्सा यहां पे होगा, अगेन वही बात भाई, इधर आपका ग्राफ ऊपर नीचे किधर बनाना है, इधर आपका कहां पे होगा, तो वो पॉइंट आप पुट करो,
फॉर एग्जाम्पल आप मैं 2 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो जब मैं इधर 2 पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ रहा होगा, मैं 3 पुट करूंगा आंसर पॉजिटिव आएगा, 4 पुट करूंगा आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं आंसर पॉजिटिव आ रहा, मतलब इस क्वाड्रेंट में बन रहा होगा। और क्या मेरा ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि x एक्सिस पे एसिम्प्टोट है ना, तो आपका ग्राफ इस टाइप का बन रहा होगा। ये जो इसका एसिम्प्टोट जो है वो x एक्सिस है और वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो राइट पे तो आपका इस तरह ग्राफ बन जाएगा। अब लेफ्ट पे क्या होगा, ये क्रॉस नहीं कर रहा y एक्सिस को, ये वाला नहीं कर रहा होगा, दूसरा वाला पीस कर रहा होगा, क्योंकि 0, -2 कहां पे पॉइंट है, 0, -2 यहां पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर -1 है, ये -2 है, तो ये पॉइंट है जिसपे आपका ग्राफ क्रॉस कर रहा होगा। तो शेप किस टाइप की बनेगी यहां पे, कि x एक्सिस जो है वो तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है और x इज इक्वल टू 1 जो है वो वर्टिकल एसिम्प्टोट है, तो ये x इज इक्वल टू 1 है, आपका ग्राफ इस टाइप का बन रहा होगा। और यहां पुट करके भी देख सकते हो, अगर आप 1 से छोटी कोई x वैल्यू पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, जैसे मैं यहां पे 0 पुट करूंगा आंसर नेगेटिव, -1 पुट करूंगा नेगेटिव, -2 पुट करूंगा नेगेटिव, उसका मतलब वो नीचे बन रहा होगा। तो इस टाइप का पीसेस बन जाएगा जिसका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, वर्टिकल जो है ये लाइन x इज इक्वल टू 1, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जाएगा। तो ये इजी थोड़े रैशनल फंक्शन होते हैं जिनको आप ग्राफ कर सकते हो, वैसे करना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि रैशनल फंक्शन को ड्रॉ किस तरीके से करना है, कुछ मेन मेन बातें पढ़ ली, अब सवाल है कि रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व किस तरीके से करना होगा। तो बच्चों पहली तो ये बात क्लियर समझ लो कि आपको पूरे फंक्शन को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे तो लेके जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, सेंस नहीं बना रही ना बात। अगर आप ऐसे सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है और आपके पास चीज लिखी भी हो, तो क्या खाली आप इसको सॉल्व करोगे? नहीं, आप सबसे पहले 3 को उधर लाओगे, जैसे ये काम करोगे ना आप, ये कंप्लीट है, ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, ये बेसिकली हम ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक फंक्शन तो y की फॉर्म में होता है ना, तो आपको बोला जा रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि y इज ग्रेटर देन 0, ये बोला जा रहा है ना कि जो पूरा फंक्शन है वो कहां कहां पे 0 है, तो पहले पूरा फंक्शन तो बनाओ उसको। अगर आप सिर्फ उसको उधर रहने दोगे तो पूरा फंक्शन तो नहीं बनेगा ना, तो पूरा फंक्शन आप बनाते हो फिर आप देखते हो कि वो ग्रेटर देन 0 कहां कहां पे या लेस देन 0 कहां कहां पे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि रैशनल फंक्शन को पहले आप लाओगे, जो भी रैशनल फंक्शन होगा उसको आप लाओगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, सबसे पहला काम तो आप ये काम करोगे। दूसरी बात, आप मालूम करोगे सबसे पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट, क्यों वर्टिकल एसिम्प्टोट मालूम कर रहे हैं, क्योंकि वही जो क्वाड्रेटिक में आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल एसिम्प्टोट डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप पहले हिस्से को देखते हो कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, आप दूसरे हिस्से को देखोगे, आप तीसरे हिस्से को देखोगे, तो डिवाइड कौन कर रहा है, वर्टिकल एसिम्प्टोट डिवाइड कर रहा है, तो आप उसको मालूम कर रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद फिर आप वर्टिकल एसिम्प्टोट मालूम करने के बाद, ये तो आपको इंटरवल भी दे रहा होगा ना, उसके बाद आप ऐसी एक्स वैल्यूज मालूम करोगे जिससे रिजल्ट 0 आ रहा होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्राफ है उसका एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस नहीं है, उसका एसिम्प्टोट हम कंसीडर कर लेते हैं नीचे जा रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल इसको +1 कह देते हैं, तो अगर इसका ग्राफ बनेगा ना, तो इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, ये जो ग्राफ है पूरा इसका अब हॉरिजॉन्टल अगर कोई ऐसा, मैं एक आप लोग सिचुएशन देना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई रैशनल फंक्शन है कि जिसको आप ड्रॉ करो तो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस ना हो, ये कहने का मतलब है मेरा, उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो एक्स एक्सिस ना हो बल्कि नीचे हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नीचे बनाना है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हम बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल -2 है ना, तो हम बनाते हैं y इज इक्वल टू -2 पे, और ये बनाना मुश्किल नहीं है, मैं इसको -2x कर देता हूं। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल हम ये फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ये एक रैशनल फंक्शन है। अब आप इसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालो, -1 के ऊपर है तो कंसीडर कर लो ये -1 है, हम y एक्सिस को यहां बना देंगे, जो भी है इसको थोड़ा पहले ले आते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल गया x इज इक्वल टू -1 के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आपको कहां मिला है, क्या मैंने बताया था, जब डिग्री सेम हो तो आप क्या करते हो, लीडिंग कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, तो -2/1 क्या होता है, -2 के बराबर होता है, तो हॉरिजॉन्टल आपको कहां पे मिल गया, फॉर एग्जाम्पल -2 पे मिल गया। तो अब वर्टिकल एसिम्प्टोट ने तो आपको बता दिया कि आपका रीजन जो है इतने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट भी चाहिए, ये वाला पॉइंट भी बड़ा क्रुशियल है। क्यों क्रूशल है? क्योंकि इस पॉइंट से पहले आपका फंक्शन ग्रेटर देन 0 है और इसके बाद आपका फंक्शन लेस देन 0 है। तो सिर्फ वर्टिकल एसिम्प्टोट की अहमियत नहीं है, साथ साथ उन पॉइंट्स की भी अहमियत है जिस पे आपका फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में एक्स इंटरसेप्ट आप निकालोगे, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट वो मैथ वाला टर्निंग पॉइंट नहीं, मैं रियल लाइफ में टर्निंग पॉइंट हम कहते हैं ना, कि वो मेन चीज है, वो आपको बता देगी कि इस पॉइंट से पहले आपका फंक्शन ऊपर है, इस पॉइंट से पहले फंक्शन आपका
नीचे है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ वर्टिकल एसिम्प्टोट की भी अहमियत है। जैसे इस फंक्शन में आप देखो, इसमें कहीं भी एक्स एक्सिस को ये इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस वाले हिस्से में ये ग्रेटर देन जीरो है, इस वाले हिस्से में लेस देन जीरो है ये। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की भी अपनी जगह पे अहमियत होगी। तो आप क्या करोगे, आप वर्टिकल एसिम्प्टोट और बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे रैशनल फंक्शन के, जो पॉइंट्स आ जाएंगे ना, जब पॉइंट्स आ जाएं तो फिर वही काम करोगे जो आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में किया था, कि आप वो इंटरवल में तकसीम करोगे, टेस्टिंग वैल्यूज लोगे और देखोगे किस किस रीजन में आपका फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है, अगर आपसे ग्रेटर देन जीरो का पूछा जाए, या लेस देन जीरो जो भी आपसे पूछा जाएगा, आप उस तरीके से करोगे। तो जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, रैशनल फंक्शन के बारे में बता दिया। अब जब हम इनइक्वालिटीज करेंगे तो आपके जहन में होगा कि हो क्या रहा है यहां क्यों, ठीक है। तो जरा हम सॉल्व करते हैं। असल मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। सॉल्व करना स्टेप बड़ा मुश्किल नहीं है कोई भी। आप लोगों को वर्टिकल एसिम्प्टोट मालूम करना डिनोमिनेटर जीरो करके या एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है, एंट्री का सवाल है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट हासिल करना वो बड़ी बात है, वो एंटर में नहीं आपको मिला था। बहरहाल तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम रैशनल इनइक्वालिटीज। मतलब आपको एक रैशनल फंक्शन गिवन होगा, लेकिन वो इक्वेशन के साथ नहीं होगा, वो इनइक्वालिटीज के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम करेंगे 4x अपॉन x माइनस सिक्स इज लेस देन 1। अगेन वही बात भाई, रैशनल फंक्शन पहले सिंप्लीफाई करो, आप कंप्लीट रैशनल फंक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे कि राइट हैंड साइड पे जीरो होना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, आप जो भी राइट हैंड साइड पे चीज लिखी हुई है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, सॉल्व करो। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी देख लेना, आमतौर पर स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं इसमें। ये हो जाएगा 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो। ये आपका फंक्शन पूरा तैयार हो गया, ये पूरा रैशनल फंक्शन है। अब इस रैशनल फंक्शन के बारे में अगेन आपको ग्राफ तो नहीं पता ना, आप ड्रॉ करने की जरूरत है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्रूशियल पॉइंट्स कौन कौन से, वर्टिकल एसिम्प्टोट, एक्स इंटरसेप्ट, ये मेन मेन पॉइंट्स हैं। तो आप निकाल लो वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे आएगा, आप डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखो, ये वैल्यू आ गई। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएंगे, देखो एक्स इंटरसेप्ट में न्यूमरेटर को आप जीरो के बराबर रखो, क्यों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रैशनल फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 x माइनस 6। अब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हो, y को जीरो पुट करते हो, y को जीरो पुट कर दिया, ये डिनोमिनेटर जो है ये जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो, न्यूमरेटर को जीरो रख के, तो वही काम करना है। तो न्यूमरेटर को जीरो रखो, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां से माइनस 2 आ गई। इसका मतलब ये वो दो पॉइंट है जो मेन पॉइंट है जहां पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो अब जरा देख लेते हैं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सीन है। ये दो पॉइंट्स इंटरवल 3 बनाएंगे यहां पे। सबसे पहले माइनस 2 लिखो, उसके बाद आप 6 लिखो, माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी। इसके बाद वही काम करना है जो आपने क्वाड्रेटिक के अंदर किया था। इस इंटरवल में माइनस 3 पिक कर लेते हैं, इसमें 0 पिक कर लेते हैं, इसमें हम 7 पिक कर लेते हैं। पुट करो बच्चों यहां पे, जस्ट साइन आपको देखना है। माइनस 3 जब मैं यहां पे पुट करूंगा माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 6 नेगेटिव ही आएगा। यहां पे माइनस 3 पुट करूंगा नीचे भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दो। फिर 0 पुट करो, ऊपर 6 बचेगा, नीचे 0 पुट करो नेगेटिव 6 बचेगा, तो मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा होगा। 7 पुट करो पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव होगा। अब आपको ये बताना है कि रैशनल फंक्शन लेस देन 0 किस रीजन के अंदर है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कहां पे है। तो ये वो रीजन है जिसपे आपका रैशनल फंक्शन जो है वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, ये आपके काम का रीजन है। तो आपने लिखना है माइनस 2 कॉमा 6, ब्रैकेट आपने ध्यान से लगानी है। यहां पे तो इक्वालिटी है नहीं, लेकिन जब इक्वालिटी आती है तो और ध्यान से आपको लगाना पड़ता है। माइनस 2 को शामिल आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब आप माइनस 2 पुट करोगे ना इसके अंदर आंसर 0 के बराबर आ रहा होगा, जबकि आपको बोला गया है कि लेस देन 0 आना चाहिए। तो माइनस 2 को तो वैसे शामिल नहीं कर सकते आप, और 6 को तो वैसे शामिल नहीं कर सकते क्योंकि 6 आपका डिनोमिनेटर 0 कर देगा, मतलब अनडिफाइंड फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये रीजन है जिस पे आपका फंक्शन जो है वो लेस देन 0 होगा। चाहो तो आप इस रीजन के अंदर 2-3 और वैल्यूज पुट करके देख लो मजीद तसल्ली के लिए, माइनस 1 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, देखना इस पूरी चीज का आंसर लेस देन 0 ही आ रहा होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है माइनस 2.6। सवाल आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। तो सवाल काफी इजी है। अच्छा मैंने माइनस 6 लिखा है, अच्छा नहीं माइनस 6 नहीं होगा, 6 ही होगा आंसर, मैंने अलग लिखा है। अब जरा दूसरे के ऊपर आ जाओ, दूसरी एग्जाम्पल आप थोड़ी मजीद एडवांस लेवल की हम करते हैं, थोड़ी बेसिक लेवल की थी। एग्जाम्पल है बच्चों 1/3 माइनस 2/x स्क्वायर इज लेस देन 5/3x। ज्यादातर एग्जाम्पल जो है ये थॉमस कैलकुलस जो बुक है वहां से मैंने उठाई है, जो मुझे मुश्किल लग रही होती है, या फिर आगे पीछे से भी थोड़ी मैंने उठाई हुई होती है।
बहरहाल तो सबसे पहला काम ये कि आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 5 अपॉन 3x इज लेस देन 0। सॉल्व करते हैं एलसीएम, यहां पे क्या आएगा, एलसीएम यहां पे आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 6 और यहां पे हो जाएगा माइनस 5x। अच्छा न्यूमिनेटर जो है ना आई गेस वो फैक्टर हो सकता है, न्यूमिनेटर फैक्टर हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है नीचे। वैसे 3 का खास काम नहीं है, 3 का सच कोई काम कांस्टेंट मसला नहीं कर रहा था, आप बस एज एन रोड देख रहे होते हो या 0 देख रहे होते हो, तो ये 3 मसला करेगा नहीं, कोफिशियंट का मसला नहीं है कोई, ये वाला 6 मसला कर सकता है, कांस्टेंट कोफिशियंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन पर हम यूज कर लेते हैं, हमें मसला नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप यहां पे मिडिल टर्म ब्रेक करो, सॉल्व कर लो किसी तरह, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो हाँ इस तरह कर लेंगे, तो x कॉमन लो x माइनस 6, 1 कॉमन लो x माइनस 6, तो एक फैक्टर बच्चों यहां पे आ रहा होगा x माइनस 6 और एक आ रहा होगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। अब आपका जो रेशनल फंक्शन है बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया है, अब वही काम करो जो आपने करना है, सबसे पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू 0 ही आ रही होगी, तो ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट यहां पे आ जाएगा। फंक्शन इंटरसेप्ट कहां पे, एक्स इंटरसेप्ट यहां पे क्या होगा, 2 होगा, एक एक्स इंटरसेप्ट होगा 6 के ऊपर, एक होगा माइनस 1 के ऊपर, तो ये बेसिकली आपके पास 3 वैल्यूज यहां पे आ गई हैं, मतलब एक वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और एक राइट पे कर रहा होगा, बार तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, माइनस 1 0 6, 3 हिस्सों में सॉरी 4 हिस्सों में इंटरवल आपका डिवाइड हो गया होगा, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया। अब टेस्टिंग वैल्यूज दो, यहां पे माइनस 2 ले लेते हैं, यहां पे माइनस 0.5 ले लेते हैं, यहां पे 1 ले लेते हैं और यहां पे 7 ले लेते हैं। सबसे आपने साइन बस चेक करना है, आप माइनस 2 पुट करो नेगेटिव, माइनस 2 पुट करो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, यहां पे माइनस भाई ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इसके अंदर आप नेगेटिव पुट करो पॉजिटिव पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। माइनस 0.5 नेगेटिव, माइनस 0.5 पॉजिटिव, जब पुट करोगे ना माइनस 0.5 प्लस 1 तो 0.5 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, फिर 1 पुट करो नेगेटिव, यहां पे 1 पुट करो पॉजिटिव, नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, अगेन नेगेटिव, फिर 7 पुट करो, 7 माइनस 6 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर आपका पॉजिटिव। अब आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको रीजन चाहिए जिसमें आपका जो रेशनल फंक्शन है वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, वही रीजन है, ये दोनों रीजन इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अच्छा आमतौर पर बच्चे यहां पे गलती करेंगे, उस तरह लिख देंगे माइनस 1 से लेके 6, मतलब ये वाला रीजन पूरा, ये वाला पूरा रीजन है, तो वो एक साथ लिख देंगे ना कि माइनस 1 से लेके 6 तक ये जो पूरा रीजन है, ये सब हमारा आंसर है जिसमें माइनस 1 और 6 शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप लेस देन 0 है ना, अगर इक्वल टू 0 होता मतलब ये चीज होती, तो अब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते, क्यों, क्योंकि माइनस 1 जब पुट करोगे तब भी आपका आंसर 0 हो जाएगा, जब आप 6 पुट करोगे तब भी आंसर 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो अगर इक्वालिटी होती तो दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा देते, इक्वालिटी नहीं है तो फिर आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन खाली अगर आप ये लिखोगे तो आपने मिस्टेक कर दी है। क्यों मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इनके दरमियान एक नंबर 0 भी आ रहा है जो मसला कर रहा है, 0 अगर आप पुट करोगे तो आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन है, 0 आप पुट नहीं कर सकते, तो माइनस 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर नहीं है, एक नंबर ऐसा है जो मसला कर रहा है, तो आपको मेंशन करना है, तो या तो आप इस तरह करने के बाद आगे मेंशन कर दो कि x नॉट इक्वल टू 0, कि भाई माइनस 1 से लेकर 6 लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता, एक पे तरीका है। दूसरा अच्छा तरीका यह कि आप दोनों को अलग अलग लिखो, माइनस 1 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर 6, आप इस तरह लिख दो, ये अच्छा तरीका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन बताने का। बारह तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा, इस ये जो वैल्यूज हैं इसमें से आप कुछ भी पुट करो अपने फंक्शन के अंदर, आप चेक भी कर सकते हो जो बेसिक इनइक्वालिटी गिवन थी ये भी सेटिस्फाई कर रही होगी ना, आप कोई भी वैल्यूज यहां से टॉप फॉर एग्जांपल 2 उठा लो, 2 पुट करो लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 पुट करो राइट हैंड साइड पे, आप ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वो लेस होगा जो राइट हैंड साइड पे, तो इस तरह भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बस एक आखिरी करते हैं उसके बाद सवाल कंप्लीट करते हैं अपना। अच्छा जी आखिरी आपके पास लिखी हुई यहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0।
डिनोमिनेटर अगेन एक क्वाड्रेटिक है, सॉल्व किस तरीके से करोगे, दो फैक्टर बनेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, बड़े के साथ पॉजिटिव लगाओगे आप, तो आई गेस इसके 4 और 2 बनेगा ना, 4 और 2 बनेगा आई गेस, 4 और -2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 2x - 8। अच्छा एक्स एक्स प्लस 4, यहां से -2 कॉमन लो, एक्स प्लस 4, तो वही बात है कि एक आपके पास आ गया है एक्स प्लस 4 और एक आपके पास आ गया एक्स माइनस 2। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट आपके पास कोई नहीं आ रहा, तो आपको बस वर्टिकल एसिम्प्टोट ही निकालने हैं यहां पे, तो एक आ जाएगा वर्टिकल एसिम्प्टोट -4 पे, एक आ जाएगा 2 पे, ये दो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएंगे। आपका जो रीजन है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, वही काम करना है आपने, इस रीजन में -5 ले लो, इसमें 2 0 ले लो, इसमें 3 ले लो, जब -5 पुट करोगे नेगेटिव, -5 पुट करोगे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, जब 0 पुट करोगे पॉजिटिव, 0 पुट करोगे नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव, 3 पुट करोगे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। ये आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको ग्रेटर वाला रीजन चाहिए, ग्रेटर वाला रीजन ये भी है, ग्रेटर वाला रीजन ये भी है, मतलब पॉजिटिव है ये, तो आप लिख लो इसको। ये रीजन क्या है, ये रीजन है -∞ से लेके -4 यूनियन, ये वाला रीजन क्या है 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। अब सवाल है कि -4 और 2 पे क्या होगा, दोनों पे यहां पे राउंड ब्रैकेट ही लगेगी, इवन यहां पे इक्वालिटी भी आ जाए तब भी आप राउंड ब्रैकेट ही लगाओगे, क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट नहीं, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आपको यहां पे मिल रहे हैं, मतलब ये अगर -4 और 2 अगर आप पुट करोगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, दैट्स व्हेन को आप पुट नहीं कर सकते, तो अगर इक्वालिटी होती भी तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे नहीं लगाते, तो पर यहां पे इक्वालिटी है भी नहीं, पर ये जो है ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके दरमियान आप कोई भी वैल्यूज पुट करो इस रीजन में जो आ रही हो, हमेशा आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। तो बच्चों रैशनल इनइक्वालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा ग्राफ डिटेल में एक चीज मैंने क्लियर कर दी है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मजीद अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो बुक से भी कर सकते हो, गूगल से भी निकाल लो, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए, कोई स्पेसिफिक कुछ शायद कॉन्सेप्ट रह गया हो तो वो आप लोग थोड़ी खुद भी रिसर्च करना, इंशाल्लाह सीख जाओगे। अच्छा उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करता हूं, वो है रैशनल, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था ना रैशनल इनइक्वालिटी का, उसमें चीज मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी, लेकिन यहां पे हम डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को एक ही तरीका बताया था जो हम यूज कर रहे होते हैं वहां पे, लेकिन रैशनल को आप एक और दो तरीके और भी हैं जिनसे आप सॉल्व कर रहे होते हो, तो उसको भी देख लो, क्योंकि किसी स्टूडेंट के जहन में आ सकता है तो फिर बाद में पूछोगे हमसे। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हो x-3 / x + 3 > 0 या आपके पास, या ग्रेटर देन 0 नहीं काम करते, ग्रेटर देन 1 इस तरह करते हैं, ये आपके पास रैशनल इनइक्वालिटी है। सबसे पहला तरीका इसका क्या होगा वो मैं जल्दी से कर देता हूं, क्योंकि ये तरीका मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताया था, क्या 1 को उधर ले आओगे, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सॉल्व करो, नहीं ये थोड़ा इजी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक्स तो यहां पे, थोड़ा मुश्किल करते हैं ना, तो 2x कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 3 - x - 3 / x + 3। अच्छा ये हो जाएगा x - 6 / x + 3 > 0। आप क्या करो, x की वैल्यू पिक करो -3, एक x की वैल्यू होगी 6, ये है -3, ये है 6, यहां पे वैल्यू आएगी -4 यहां पे पुट करो, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, इसके दरमियान 0 आएगी, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, और सॉरी नीचे पॉजिटिव तो नेगेटिव, 6 के बाद 7 आएगा, 7 पुट करो पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन चाहिए, आपको ग्रेटर वाला रीजन चाहिए, या अपनी आसानी के लिए हम लेस कर लें, सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा, लेस कर लेते हैं, समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लेस वाला रीजन कौन सा है, जहां पे नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला रीजन है, तो इसका आंसर क्या होगा, -3 से लेके 6 के दरमियान आप कुछ भी पुट करो इस जगह पे, तो आंसर क्या होगा, लेस देन 1 आ रहा होगा। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसके डिफरेंट तरीके भी हैं जिन तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो, वो तरीके मैं बता रहा हूं। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है कि कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि लिखा हुआ 2x - 3 / x + 3 > 1। आप ये काम भी तो कर सकते थे, जैसे आप इक्वेशन में करते थे कि आप x प्लस 3 को जाके मल्टीप्लाई करवा दो वहां पे, या सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स प्लस 3, तो ये एक्स प्लस 3 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। लेकिन अगेन मैंने वही बात बताई थी, नंबर्स के अंदर तो आपको पता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, एक्स प्लस 3 के दो केसेस बनेंगे कि एक्स प्लस 3 या तो पॉजिटिव हो या एक्स प्लस 3 नेगेटिव हो, तो हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने काम किया
ये उस वक्त होगा जब x प्लस थ्री पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने इक्वालिटी चेंज नहीं की। जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं, x को उधर ले आओ, माइनस थ्री को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा सिक्स। आंसर आ रहा है x इज लेस देन सिक्स, लेकिन x इज लेस देन सिक्स से पॉजिटिव वाला हो, मतलब जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं एक सेकेंड, कि मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि आपने दोनों तरफ x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करना है, तो एक इनइक्वालिटी मैंने चेंज नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने कंसीडर किया कि x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो है। दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें x प्लस थ्री लेस देन जीरो होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन आया ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन ये लाएगा क्योंकि हमने कंसिडर किया कि x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको जब सॉल्व करोगे इसका मतलब क्या बनेगा कि x इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। अब x ये सॉल्यूशन जो है ये मुझे बता रहा है कि x जो है वो लेस देन सिक्स होना चाहिए, जबकि इसने मुझे बताया कि x ग्रेटर देन माइनस थ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर x माइनस थ्री से ग्रेटर नहीं हुआ ना तो फिर ये बात सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे इस इनइक्वालिटी के मुताबिक माइनस फोर भी इसका आंसर है, x इज लेस देन सिक्स तो माइनस फोर भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन जब आप x के अंदर माइनस फोर पुट करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस फोर प्लस थ्री नेगेटिव, तो फिर इनइक्वालिटी का तो साइन चेंज करना पड़ता, तो दैट्स वाई हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, और ये रिस्ट्रिक्शन मुझे कह रही है कि x माइनस थ्री से ग्रेटर होना चाहिए, तो x माइनस थ्री से ग्रेटर जबकि सिक्स से कम होना चाहिए, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये आंसर आ रहा होगा हमारा, ये भी आंसर मतलब एग्जैक्टली आ गया, लेकिन आपको दूसरा केस भी डिस्कस करना है, उसमें मसला क्या होगा खुद आपको समझ आ जाएगी। ये तो पहले केस ने हमें आंसर दिया, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर इस स्टेप में आप x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करवाते हो तो हम कंसीडर करते हैं कि x प्लस थ्री जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जब आप नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो जब x प्लस थ्री वन से मल्टीप्लाई हुआ साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, लेस देन का था आपने ग्रेटर का लगा दिया, बाकी इक्वेशंस पे कोई मतलब एक्सप्रेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमने कंसीडर ये किया है कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर आंसर क्या होगा। सॉल्व करो, x को उधर ले आओ, माइनस थ्री को उधर ले जाओ, ये सिचुएशन बन रही है। इसमें क्या है कि x इज ग्रेटर देन सिक्स, लेकिन अगर आप इस कंडीशन को सॉल्व करो, ये कंडीशन आपको बता रही है कि x माइनस थ्री से कम होना चाहिए, जबकि ये सिचुएशन बता रही है कि x सिक्स से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये बैक वक्त सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्या करोगे आप इसको, मतलब ये वाला कह रहा है कि x ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई कब होगी, जब x ग्रेटर देन सिक्स होगा, जबकि ये हमें कह रही है कि x ग्रेटर देन सिक्स हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कोई भी x का आंसर यहां पे आप नहीं लिख सकते, क्योंकि बिल्कुल अगर सिक्स से ग्रेटर आपने यहां पे सेवन कंसीडर किया तो सेवन प्लस थ्री क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर पर आपने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया इनइक्वालिटी को, हमने तो कंसिडर ही किया था ना कि वो वैल्यूज हो जो x प्लस थ्री को नेगेटिव करें, तो वो वैल्यूज जो x प्लस थ्री को नेगेटिव करेंगी वो इसका सॉल्यूशन में नहीं आ सकती, क्योंकि वो वैल्यूज माइनस थ्री से कम कम है, तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन जो है वो इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप ही लिखोगे भाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आप इसको कंसिडर करोगे ये सॉल्यूशन जो है यहां पर राइट हो जाएगा। तो सेम ही सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन मेथड में हमने दो केसेस डिस्कस किए हैं कि अगर वो चीज पॉजिटिव हो या अगर वो चीज नेगेटिव हो तो आपने क्या काम करना। अब इसका एक तीसरा मेथड भी होता है, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, उसमें ये दो केसेस जो हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं, ये जो मैंने दो केसेस का मसला आपको बताया है ना, जिसको ये सॉल्यूशन लंबा लग रहा है, भाई देखो एक सॉल्यूशन ये है, लेकिन इस वाले सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव में दो केसेस बन रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट हम हटा देते हैं यहां से। क्या करते हैं हम, पहले हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे एक्स प्लस थ्री से, तो एक्स प्लस थ्री तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, हम एक्स प्लस थ्री के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मसला हल हो जाएगा, x प्लस थ्री का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना भाई, भाई x प्लस थ्री हो सकता है लेकिन उसका स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं, मैं इस तरफ भी x प्लस थ्री का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इस तरफ भी मैं x प्लस थ्री का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे होगा टू एक्स माइनस थ्री, और जो मैंने x प्लस थ्री का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाया होगा वो इससे कैंसिल होने के बाद x प्लस थ्री हो जाएगा, और यहां पे x प्लस थ्री का होल स्क्वायर जो है ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया। अब इससे आसानी ये होगी कि वो झंझट खत्म हो गया, अब इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक या लीनियर की तरह सॉल्व करोगे, सॉल्व करो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स, तो ये प्लस थ्री एक्स हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, ये माइनस नाइन, इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, इन तीनों चीजों को उठा के धर ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एटीन हो जाएगा लेस देन जीरो। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, माइनस एटीन क्या फैक्टर बनाओ, माइनस एटीन सिक्स थ्री जा होता है, तो आप लिखो माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस एटीन, सॉल्व करो x कॉमन आया x माइनस सिक्स, यहां पे थ्री कॉमन आया x माइनस सिक्स, तो सिंपल लैंग्वेज में एक वैल्यू आ रही होगी सिक्स की
या इसको सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। तो एक यहां से वैल्यू आ रही होगी सिक्स की, एक यहां से वैल्यू आ रही होगी माइनस थ्री की। अगेन वो आप बनाओगे, यहां पे माइनस फोर लेते हैं, यहां पे जीरो लेते हैं, यहां पे सेवन लेते हैं। माइनस फोर पुट करोगे नेगेटिव, यहां पे पुट करोगे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो पुट करो नेगेटिव, यहां पे पुट करो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। सेवन पुट करो पॉजिटिव, यहां पे पुट करो पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन चाहिए? लेस वाला चाहिए, लेस मतलब नेगेटिव वाला। अगेन वही रीजन आ गया जो आपने यहां पे देखा था, माइनस थ्री कॉमा सिक्स। कहने का मतलब यहां पे ये है, जो असल कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना चाह रहा हूं, कि एक ही सवाल को सॉल्व करने के तीन अप्रोचेज हैं। ये अप्रोच को मॉडिफाई किया हुआ है यहां पे, लेकिन यहां पे स्क्वायर करने के बाद थोड़ा फंक्शन मुश्किल बन जाता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। सेम इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये असल में मेथड इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हुए आयो, तो आप लोगों के जहन में आ सकता था कि भाई मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं या मैं इसको इस तरह कर दूं तो क्या होगा। तो वो सब बातें जो है मैंने क्लियर की हैं, ये रैशनल के अंदर मुझे बताना चाहिए था, मिस हो गया था मुझसे, तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया।